चलिए सर, अब हम कुछ नोट पढ़ने लायक हो गए हैं। चलिए सर, क्या कहता है? यहां नोट पे छोड़ा था हमने, कहता है इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी इग्नोर्ड। समझ में आई बात? अगर कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले किया गया तो क्या करेंगे? इग्नोर्ड करेंगे। आफ्टर 1/4/2021 एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। अरे 21 गलत आ गया सर, इसे भी ठीक कराएंगे, ये 2001 आना चाहिए। आफ्टर 1/4/2001 जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो लिया जाएगा। इंप्रूवमेंट वाली बात जो मैंने अभी प्रैक्टिकल में कर लिया तो आपके लिए नई बात नहीं लग रही होगी अभी, कि भैया 1/4/2021 से एक से पहले अगर होगा तो इग्नोर कर देंगे, बाद में होगा तो वही ले लेंगे। आगे कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर, प्रीवियस ऑनर में इन केस ऑफ एनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट इनहेरेंट्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन एज अ प्रीवियस ऑनर। सर ये सेक्शन हमें ऐसा करने को बोलता है 49(1). इन केस ऑफ प्रीवियस ऑनर परचेज एसेट्स बिफोर 1/4/2001 देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टेकन फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001। तो ये सारी लाइन पढ़ोगे तो आप सवाल करने के बाद आपको लगेगा ये तो हमें पता ही है। क्या बोलता है ये लाइन? कि अगर प्रीवियस ऑनर का कॉन्सेप्ट हुआ तो प्रॉपर्टी का कॉस्ट आप वही लोगे जो कि किसका होगा? प्रॉपर्टी के रियल ऑनर, प्रीवियस ऑनर का। लेकिन अगर उसने घर खरीदा होगा 1/4/2001 से पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया जाएगा। आगे कहता है ये अभी बाद में देखेंगे सर, लिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर पी चिदंबरम ने बहुत बड़ा इसमें गड़बड़ कर दिया था, एक नया सेक्शन लेके आ गया था 112A। इस पूरे सेक्शन को हम अलग से पढ़ेंगे, इसके ऊपर सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं इस बार। तो अगर इक्विटी शेयर है तो वहां पे हम ले लेते हैं 31/1/2018 का, तो मैं अभी इसको नहीं पढ़ रहा, इग्नोर करके चल रहा हूं फिलहाल के लिए। तो ये नोट हमें समझ में आ गया, एक नोट और पढ़ लेते हैं सर। आपकी किताब का ही सीधा मैंने देखो, जो चीजें किताब में बेहतर गिवन है उसको मॉड्यूल करने का, ऑल्टर करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। कहता है सर इंडेक्सेशन नॉट अलाउड। सर कुछ केस में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं, हालांकि मैंने बहुत समरी बना के कर दिया था कि आपका किस किस में अलाउड नहीं होगा, वो मैंने वहां लिख दिया था, वही बातें यहां है। कहता है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल बीइंग बॉन्ड डिबेंचर नहीं अलाउड, पहले ही मैंने बता दिया। कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड इशू बाय गवर्नमेंट, बार बार बॉन्ड बॉन्ड, एक ही बार मैंने लिख दिया वहां बॉन्ड, बात खत्म। यहां पे बोल दिया डिबेंचर, फिर बोल दिया यहां पे ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, इसका भी इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। आपका इक्विटी ओरिएंटेड फंड इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, बिजनेस ट्रस्ट को भी अलाउड नहीं है। ट्रांसफर अंडरटेकिंग डिवीजन स्लम सेल, सर ये नया सेक्शन आया, इस पे भी इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। आगे हम देखेंगे, अभी बहुत सारे सेक्शन है सर इसके अंदर, बहुत सारे सेक्शन है। हमने 45 से स्टार्ट किया है, हम करीब इसमें 50 से ऊपर तक जाएंगे हम इसमें। आगे कहता है ट्रांसफर ऑफ ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट GDR। सर GDR भी क्या होता है? एक तरीके का बॉन्ड ही है। ट्रांसफर ऑफ ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, ठीक है सर GDR है। आगे कहता है एनी सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी, उसके लिए भी नहीं है। यानी टोटल मिला के आप इसे 10 पॉइंट को पढ़ोगे ना, तो मैंने 10 पॉइंट को दो शब्द में खत्म किया। एनी काइंड ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर इंडेक्सेशन नॉट अलाउड, और डेप्रिशिएबल एसेट्स ये नीचे लास्ट में कहता है नोट इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट पार्ट ऑफ द एसेट्स देन नो एक्विजिशन इंडेक्सेशन अलाउड, इसमें इंडेक्सेशन नहीं होगा। हालांकि किताब में बहुत सारी बातें लिखी है लेकिन बात कितनी है? दो, डिबेंचर शेयर और बॉन्ड पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, और डेप्रिशिएबल एसेट्स पे, सर डेप्रिशिएटेड एसेट्स में क्या है? प्लांट मशीनरी फर्नीचर, दैट्स इट। इनकम टैक्स ने लॉ में इसी के बारे में बोला है, इसके अलावा किसी के बारे में? वैसे तो डेप्रिशिएशन सब पे ही लगता है लेकिन डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब है प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, ठीक है ना, जिसके ऊपर WDV के हिसाब से हम निकालते हैं वो। चलिए सर आगे और क्या देखें हम, यहां तक तो सबको क्लियर। एक और सवाल कर लेते हैं, क्या नए सवाल में पढ़ते हैं पहले, अगर समझ में आ गया ना बड़े आसानी से तो आपको करने के लिए दे देंगे। कहता है आर एक्वायर अ लैंड 2000 में 16,20,000, कंस्ट्रक्ट द ग्राउंड फ्लोर 4-5 में, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका 16 लाख रुपए। ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया भाई इसने,
ही फर्दर स्पेंट 14 लाख रुपए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर कंप्लीटेड द प्रीवियस ईयर 15-16। द एंटायर हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड 21 में 1,25,00,000 का। द एक्सपेंस वॉज द 2 लाख। एफ एम बी दे रखा है आपको सर, कंप्यूट कैपिटल गेन। मेरे हिसाब से तो सवाल में कोई जान है नहीं, आप मुझे करके दिखा दीजिए फटाफट से। सर यस ने कहा कुछ और, इंडेक्सेशन बता दो। अच्छा बच्चे कह रहे इंडेक्सेशन बता दे भाई, इंडेक्सेशन बता दो। बच्चे बता रहे हैं 358,260 धरलो। बहुत सारे बच्चों का है 358। हाँ 60-61। इंडेक्सेशन 10 ईयर या फिर गूगल कर लो एक बार आप, क्योंकि फिर क्वेश्चन हट जाएगा सामने से। सर किस किस का जवाब आ गया? सूरज का जवाब आ गया, अदिति का आ गया, दिया का आ गया, प्राची का आ गया, रिया का आ गया। यस आपने क्या आंसर दिया था मुझे समझ नहीं आया। विशाल का कहना है सर एक बार इंडेक्सेशन बता दो। तो सर इंडेक्सेशन एक बार आप देख लो, गिवन होगा उसमें कितने इंडेक्सेशन यूज हुए हैं इसमें। तो कौन कौन सा नहीं, इंडेक्सेशन कितने कितने आपने वो डेटा यूज किया इंडेक्सेशन में, कौन कौन सा है? नहीं 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 डी ईयर मुझे इंडेक्सेशन लिखना, जैसे 4-5 में कितने का। अरे नहीं वो इंडेक्सेशन का वैल्यू 317-405 जो ये होता है, हाँ 113 है। और अगला कौन सा यूज हुआ? 15-16-254 और यस का 10-50। यस आपका गलत है, नसरीन का सही है, उदित का भी बिल्कुल ठीक है। पारस आपका भाई आंसर क्या आया बुक में चेक करिए। पारस आपका आंसर गलत है, 216-21। एक बार दोबारा कैलकुलेट करिए। खुशी का भी आंसर आ गया है, ठीक है 61 चलेगा। एक बार मैं रफली बता देता हूं सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताते जाइए जिन्होंने सवाल सॉल्व किया है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताइए कितने रुपए? 1,25,00,000 माइनस एक्सपेंस आ गया, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने आए? 57,06,000। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वन फोर्टी एट। अगला भी है कोई? कितना आया? 200। सर इसको माइनस प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो बच्चों ने लिखा है। हाँ वो लिख दिया ये। ठीक है अगली क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं सर? अगली क्लास में अब जो कई बार ऐसा हो सकता है, देखो
कई बार ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको निकालना पड़े, सोचना पड़े। तो अगली क्लास के अंदर हम या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो सेक्शन 55 कहता है वो सीखेंगे, और सेक्शन 54 की सीरीज में से जितना कर पाए वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं।